स्वागत है आपका एक नए वीक की खबर में। वो खबर की नए पेशकश में आपका स्वागत है। खबर वो जो डालेगा जेब पे आपके असर। तो इस हफ्ते की न्यूज को देख लेते हैं दोस्तों। पांच न्यूज हमने उठाया है और आपके जीवन पे उससे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, सारी चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहली खबर, रिजर्व बैंक ने दिया जीडीपी को लेकर नया अनुमान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैठक में यूपीआई को लेकर किया गया है बहुत बड़ा ऐलान। इकोनॉमिक की जो रफ्तार है बड़ी है शानदार, इकोनॉमिक के अच्छे दिन आ गए, वर्ल्ड बैंक ने कहा है, आईएमएफ ने कहा और अब एडीबी ने भी ये बात कह दी है। संकट में है ये बैंक, आरबीआई ने लगाया बैंक, आप नहीं निकाल सकते हैं पैसे। कौन सा बैंक है, अगर आपका बैंक है तो जानिएगा आगे खबर में। कोटक महिंद्रा बैंक पर लिया गया है बड़ा एक्शन, आईआईएफएल पे भी लिया गया, पेटीएम पे भी लिया गया। तो बैंकों पे आरबीआई क्यों ले रहा है एक्शन, क्या कारण है? तो इन सारी खबरों को विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे और क्या आपके जेब पे इस खबरों से फर्क पड़ेगा। और चला है मई का महीना, 1 तारीख को मई दिवस यानी कि मजदूर दिवस मंगाएगा और मई दिवस में कितनी छुट्टियां हैं, यह सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। चैनल में सब्सक्राइब करके जाइएगा न्यूज ऑफ द वीक देखने के लिए। और हमारे चैनल पे आपको सेटलमेंट से रिलेटिव, लोन से रिलेटिव और फाइनेंस से रिलेटिव वीडियोस मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कर वेबसाइट www.hktips.com पे विजिट करके फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में और वीडियो नंबर 3 है दोस्तों। हमने सीरीज स्टार्ट किया है न्यूज ऑफ द वीक, जिसमें फाइनेंस रिलेटिव हर संडे को आप लोगों को न्यूज हम देते हैं। आज तो सबसे पहली खबर आज की है, पहले पेटीएम बैंक पे आरबीआई ने किया एक्शन, फिर आईआईएफएल पे लगाया गोल्ड लोन पे रोक और अब कोटक महिंद्रा बैंक पे लगाया। तो आरबीआई एक्शन क्यों ले रहा है आपको मालूम है दोस्तों? तो दोस्तों इसका कारण हमने पता किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक बैंक पर जो बड़ी कार्रवाई की है, मोबाइल के माध्यम से जो ऑनलाइन है ग्राहक जोड़ते हैं क्रेडिट कार्ड और अकाउंट के लिए, आपने सुना होगा 811 का अकाउंट खोलते थे और फिर वो बोलते थे कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो। तो कोटक महिंद्रा बैंक पर ये कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इससे पहले पेटीएम और आईआईएफएल पर भी रोक लगाया था, उनके बैलेट सिस्टम पे और इनके गोल्ड लोन के सिस्टम पे। दोस्तों कारण क्या था? तो आरबीआई की ओर से इन बैंकों पर कार्रवाई के नियमों के उल्लंघन के कारण आरबीआई के मुताबिक जोखिम की चिंताओं के मद्देनजर इन सभी बैंकों पर कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों नियामक ने आईआईएफएल फाइनेंस लोन मैनेजमेंट पर बड़ी खामियों के कारण नए ग्राहकों के लिए गोल्ड लोन का जो प्रचालन होता था, आईआईएफएल तो फेमस है गोल्ड लोन के लिए, तो उस पर तुरंत रोक लगा दिया। तो दोस्तों जो ये कह रहे हैं कि नियमों के उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन क्या है कि दोस्तों अवकाश से ज्यादा क्रेडिट कार्ड देना, अवकाश से ज्यादा लोन देना, अवकाश से ज्यादा बैलेट सिस्टम में अकाउंट जोड़कर विदाउट केवाईसी से लोगों का पेटीएम का अकाउंट खोल देना और बैंकिंग अकाउंट खोल देना, लोगों को उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देना कि भाई ये जो चीज आप ले रहे हो या ये कर रहे हो क्या है। तो आरबीआई देख रहा है कि क्रेडिट कार्ड धराधर बिके जा रहे हैं, लोन धराधर हो रहा है, पेटीएम के अकाउंट खुले जा रहे हैं, पर इनको मालूम है जो एक्चुअल कस्टमर है उनको जो सर्विस दी जा रही है उन सर्विस के मारे मालूम है अकाउंट खोल दिया, मिनिमम बैलेंस नहीं रखा, अकाउंट जीरो में चला गया, बंदे ने जो पैसे रखे पैसे चले गए, क्रेडिट कार्ड भाई बना दिया, क्रेडिट कार्ड होता है क्या मालूम नहीं है, क्रेडिट कार्ड ले लिया, बंदा डिफॉल्ट कर दिया, गोल्ड लोन ले लिया, गोल्ड लोन की ईएमआई कैसे भरनी है, गोल्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, बंदे को मालूम नहीं, गोल्ड लोन जब्त हो गया। तो ये सारे जो कारण होते हैं ये होता है कमियों में, इनको ही बोला जाता है नियमों का उल्लंघन, क्योंकि लोगों को चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, लोगों को बस चीज पकड़ा दी जाती है और लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं। आप लोग भी क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में तो इसलिए फंस गए थे ना कि आपका सेविंग अकाउंट खुला किसी भी बैंक का सैलरी अकाउंट के भ्याप पे और फिर आप लोगों को क्रेडिट कार्ड पकड़ा दिया गया, क्रेडिट कार्ड मालूम नहीं लेकिन क्रेडिट कार्ड दे दिया गया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए बैंक आरबीआई जो है इन सब बैंकों पे इसीलिए इन्वेस्टिगेशन लगा रही है। आरबीआई एक्शन लेने का कारण है कि बिजनेस टुडे में एक न्यूज आया था कि आरबीआई द्वारा उठाए गए हालिया रेड फ्लैग को देखते हुए, मतलब रेड फ्लैग का मतलब होता है कि अलग अलग खतरों को सूंघने से पहले उन चीजों को कंट्रोल करना। कोविड-19 के बाद खुदरा लोन में हालिया उछाल से जो हमारे नियामक है वो सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित हो गए हैं, क्योंकि इतने सारे लोन, इतने सारे क्रेडिट कार्ड बैंकों ने दे दिया तो भाई अगर वो डिफॉल्ट करेंगे तो फाइनली किसको घाटा होगा? बैंक को घाटा होगा, बैंक के बाद आपको घाटा होगा, क्योंकि बैंकों में तो आप ही के पैसे होते हैं ना। इसी बीच नियमों की अनदेखी करने वालों बैंकों पर यह कार्रवाई की गई। आपको मालूम है अभी हमने अपने देश में दिसंबर 2019 से लेकर 5.5 करोड़ यानी कि 5,53,32,847 से ज्यादा जनवरी 2024
10 करोड़ क्रेडिट कार्ड लोगों के पास आ चुके हैं। यानी कि 2019 से लेके जो 2019 में 5.5 करोड़ था, वही जनवरी 2024 तक 10 करोड़ हो गया है। मतलब इतने सारे कार्ड लोगों को दिए गए, लेकिन उनको मालूम है नहीं मालूम है ये सारी जानकारी नहीं है, तो बैंकों ने इसी चीज को देखते हुए एक्शन उठाया है। चलिए दोस्तों अगली खबर के और चलते हैं। RBI का इस बैंक पर भी दिया गया है एक्शन, नहीं निकाल सकेंगे पैसे, ग्राहकों का क्या होगा। तो दोस्तों मंगलवार को कोणार्क अर्बन कोऑपरेटिव उल्लास नगर महाराष्ट्र का जो बैंक है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि वह जो बैंक वित्तीय फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गया है उसमें सुधार हो सके। तो इसमें दोस्तों जो न्यूज निकल के आ रही है, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से यह प्रतिबंध कोऑपरेटिव बैंक की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए लगाया गया। RBI ने कहा कि इस बैंक की माली हालत बहुत खराब है, ऐसे में इसे बचाने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि जो मतलब सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, जो मतलब जमाकर्ता बीमा एजेंट और क्रेडिट गारंटी निगम DICGS को से अपनी जमा राशि 5 लाख रुपए तक बीमा के तौर पर पाने के हकदार है। दोस्तों यह जो नियम है 23 अप्रैल 2024 से लागू हुआ है, और यह प्रतिबंध बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत लगाया गया है। और ये जो बैंक का नाम आपको मैंने बताया, कोणार्क अर्बन कोऑपरेटिव उल्लास नगर महाराष्ट्र बैंक है। तो अगर आपका अकाउंट है इस बैंक में, तो आप लोगों को भी चिंता घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक का सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक हो जाएगा। किसी बैंक के विफल होने पर कस्टमर क्या करे? अब ये भी बात क्वेश्चन आता है कि भाई कोई बैंक पे अगर इन्वेस्टिगेशन RBI ने लगाया तो कस्टमर को क्या करना है। जब कोई बैंक विफल हो जाता है, उस पर रोक लगा दी, तो ग्राहकों के क्या अधिकार है? अगर कोई बैंक विफल हो जाता है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी निगम यानी कि DICGS अधिनियम के अनुसार बैंक के हर डिपॉजिटर के पास 5 लाख रुपए तक का जमा बीमा कवर होता है। इसमें उसे विशेष बैंक में उनके खातों में मूलधन और ब्याज राशि शामिल होती है। बीमा कवर राशि एक साथ ली गई सभी सीमा पर लागू होता है, चाहे वह कोई भी अकाउंट हो। अब बात होती है कि पैसा कब मिलेगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत कस्टमर को 5 लाख रुपए तक की राशि 90 दिन के भीतर जारी की जा सकती है। अगर आपका पैसा है 5 लाख से ज्यादा, तो आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं, 90 दिन में आपको मिल जाएगी। और मामला बैंक अगर ठीक हो गया, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। अगली खबर ले लेते हैं दोस्तों। मई का महीना चला, 1 मई यानी कि मजदूर दिवस से लेकर पूरे 30 मई तक दोस्तों टोटल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। तो अगर आप लोगों को बैंक से कोई भी काम है, फटाफट कर ले, विड्रॉल करना है या कोई डिपॉजिट करना है, क्योंकि RBI की बैंक हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक मई 2024 में बैंकों में छुट्टियों की भरमार है। पराज दिवस, अक्षय तृतीया, बुद्ध पूर्णिमा समेत कई आयोजन और कारणों से मई में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंकिंग हॉलीडे के अनुरूप अपने बैंकों से जुड़ी कामों का प्लान करें, और अपने आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि RBI हर महीने की शुरुआत से पहले बैंकों में अगले महीने पड़ने वाली छुट्टियों के बारे में लिस्ट जारी करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। ऐसे में मई 2024 के लिए जो हॉलीडे की लिस्ट अपलोड कर दी गई, उसमें 14 छुट्टियां हैं। मई में पड़ने वाले इन अवकाशों में अक्षय तृतीया, महाराज दिवस, रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती समेत अन्य छुट्टियां हैं। यानी कि 1 मई को मजदूर दिवस, ठीक है ना, जो कि स्थान बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई नागपुर में छुट्टी रहेगी। रविवार दोस्तों मालूम है कि छुट्टी रहेगा 5 मई को। 7 मई को दोस्तों लोकसभा का वोटिंग है भोपाल में, पंजी और रायपुर में। 8 मई को दोस्तों है कोलकाता में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती, तो उस दिन भी छुट्टी है। बसंत जयंती यानी कि अक्षय तृतीया है 10 मई को, उस दिन भी छुट्टी है बेंगलुरु में। 11 मई 2024 दूसरा शनिवार है, जो की छुट्टी होती है ऑल इंडिया में। और दोस्तों 12 मई को रविवार है। और उसके बाद दोस्तों 13 मई लोकसभा वोटिंग है, श्रीनगर में छुट्टी रहेगी। और 16 मई को दोस्तों स्टेट डे है गैंगटॉक में, उस दिन छुट्टी रहेगी। रविवार की दोस्तों 19 मई को छुट्टी हर जगह ही होती है। 20 मई को दोस्तों लोकसभा की वोटिंग है बेलापुर मुंबई में। 22 मई को दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा है यानी कि अगरतला, जो बेलापुर, शिमला और श्रीनगर में छुट्टी है बुद्ध पूर्णिमा की। 25 मई को दोस्तों चौथा शनिवार है, और 26 मई को दोस्तों है संडे। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हो तो पता है दिल्ली में भी 25 तारीख को छुट्टी है, क्योंकि उस दिन लोकसभा का चुनाव दिल्ली में है। तो फिर आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं कि मुझे बैंक से कोई काम करना है, तो दोस्तों 14 दिन की छुट्टी है, आप समझदारी से करिएगा और टाइम निकाल के अपने प्लान को ठीक कर लीजिएगा। अगली खबर दोस्तों बड़ी अच्छी, इकोनॉमिक के लिए अच्छे दिन। पहले वर्ल्ड बैंक ने, फिर इंटरनेशनल मनी फाउंडेशन ने, अब ADB ने कह दिया बात। ADB राज इंडियन GDP ग्रोथ। एशियाई विकास बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाते हुए कहा है कि भाई वर्ल्ड के रुझानों को देखते हुए हमारी जो इन्फ्लेशन में गिरावट जारी रहेगी, 7% की दर से दौड़ेगी इंडिया की इकोनॉमी। एशियन डेवलप बैंक ने गुरुवार को जारी अप्रैल एडिशन में कहा कि भारत एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख ग्रोथ इंजन बना हुआ है। चालू वित्त वर्ष में GDP ग्रोथ के अनुमान को 6.7% से 7% तक के साथ ले गया है। और ADB ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर 7.2 का अनुमान रखा है। यानी कि एशियाई बैंक ने कहा है कि देश की वृद्धि होगी, और हमारे देश की वृद्धि होगी तो दोस्तों हमारा भी डेवलप होगा और हमारा देश मजबूत होगा। और अगली खबर की ओर चलते हैं दोस्तों। तो UPI के द्वारा अभी तक हम पैसे विड्रॉल करते थे, लेकिन अब RBI ने नया रूल बनाया, हम पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं UPI के माध्यम से। ये खबर हम लोगों की बहुत काम की। अभी तक हम लोग पैसे जमा करने के लिए बैंक में जाते थे, लेकिन अब किसी भी दुकान से जैसे पैसे विड्रॉल कर लेते हैं, आप अपने UPI के माध्यम से उस
उस अकाउंट में पैसे को वहां से डिपॉजिट भी कर सकते हैं। खबर आई है लेकिन इस पे कैसे काम होगा आने वाले टाइम में आप लोगों को पता चल जाएगा। और एक खबर और फिर मच गया हरकम, बैंकों को करना पड़ा, हमारे सीईओ ने नहीं दिया इस्तीफा। दोस्तों एक अब्बा से ऐसी बैंक के शेयरों में गिरावट आ गई, यानी कि ऐसे बैंक के शेयर अचानक गिर गए, 1137 रुपए नंबर पर पहुंच गए। वही कुछ दिन पहले स्ट्रॉन्ग रिजल्ट से आईसीआईसी के शेयर बहुत तेजी से ऊपर आए थे। दरअसल 2 मई को बैंक ने एक अफवाह को लेकर बयान जारी किया कि उनके एमडी और सीईओ संदीप बख्शी अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, देने पर विचार कर रहे हैं। आईसीआईसी बैंक ने एसआई के इस्तीफा देने की खबर के खबरों को खंडन करते हुए कि द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट आधारहीन है। बता दे इस रिपोर्ट में कहा कि संदीप बख्शी पर्सनल इमरजेंसी के कारण एमडी और सीईओ पद से मुक्त होना चाहते हैं, हालांकि आरबीआई ने उनके जाने के खिलाफ था। तो दोस्तों एक खबर कैसे किसी शेयर को ऊपर ले जाती है और कैसे नीचे गिरा देती है, ये खबर से आप जान सकते हैं कि मतलब आईसीआईसी बैंक के सीईओ एमडी जो है वो किसी कारणवश इस्तीफा देंगे, ऐसी खबर छप गई और शेयर धराम से डाउन हो गया। तो शेयर मार्केट में जो लोग पैसे लगाते हैं वो एक खबर पे ऊपर चले जाते हैं, एक खबर पे नीचे चले जाते हैं। तो ऐसी खबरों से सावधान रहिए क्योंकि आजकल फेक न्यूज का जमाना गया है। आपने डिफेक्ट वीडियो के बारे में सुना होगा कि कैसे किसी की आवाज किसी से कल मिला के कुछ वीडियोस बना के लोगों को उल्टा सीधा बहकावे में ला दिया जाता है। खासकर चुनाव का माहौल चल रहा है, आप लोगों के पास अगर कोई डिफेक्ट न्यूज या डिफेक्ट वीडियो आ रही है तो आप लोगों को सावधान रहना है और सोच समझ के वोट करना है। 3 चरण का चुनाव हो चुका है, 4th चरण, 5वें चरण, 6ठे चरण, 7वें चरण में आप लोगों को बहुत सावधानी से काम करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इन न्यूज से आपके जीवन में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ा कमेंट्स में लिखिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। रखिए शत का ख्याल, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। और आप लोग क्रेडिट कार्ड लोन के ट्रैप में फंसे हैं तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है हमारी टीम बताएगी कि कैसे आप आसानी से सेटलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, एक दिन जरूर होता है। नेक्स्ट वीडियो में रखिए शत का ख्याल। सी यू।